Hi friends, welcome back. My name is Keith. Thank you so much. Thank you for liking and subscribing my channel. And मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबके क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. एंड प्लीज़ प्लीज़ अगर मैं लेट हो रही हूँ प्लीज़ फॉरगिव मी, बिकॉज आई एम सो बिजी. आई नो इट्स एन एक्सक्यूज एंड यू गाइज डोंट वांट एन एक्सक्यूज, लेकिन मैं सच्ची में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आई एम सुपर बिजी बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है वो उन सारी ईमेल्स का आंसर है जो लोग जानना चाहते हैं कि अगर वो एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आईएलएस के टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अपनी पीआर की फाइल लगा रहे हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम एप्लीकेशन में लास्ट नेम का ऑप्शन आता है और आपके पासपोर्ट पे या फिर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे लास्ट नेम नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या फिल करोगे? तो इस क्वेश्चन के आंसर में जैसे कि जो लोग भी इंडिया से बिलोंग करते हैं, मोस्ट ऑफ अस, जैसे कि मैं भी इंडिया से हूँ, तो हम जब स्कूल टाइम में थे तो हम अपना लास्ट नेम नहीं ऐड करते थे. जैसे मान लीजिए किसी का नाम है मनदीप कौर, उनका लास्ट नेम मान लीजिए गिल है, मनदीप कौर गिल, लेकिन उन्होंने सिर्फ मनदीप कौर ही लिखवाया था स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में. या फिर मान लीजिए किसी का नाम अजीत कुमार शर्मा है, लेकिन जब उन्होंने अपना स्कूल टाइम में अपने एजुकेशन करी थी तो उस टाइम पे अपने सर्टिफिकेट पे उन्होंने सिर्फ वो मतलब शर्मा नाम ऐड नहीं किया था, सिर्फ अजीत कुमार ऐड किया था. तो ऐसा बहुत होता था पहले. अभी तो लोग अवेयर हो गए हैं तो लोग लास्ट नेम अपने बच्चों का ऐड करवाने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. तो पासपोर्ट पे भी हमने पासपोर्ट भी वैसे ही बनवा लिए, आई मीन सीमा रानी, मनदीप कौर, अजीत कुमार, ऐसे ही, और वो सिर्फ गिवन नेम होता है. तो वहाँ पर क्या होता है, जो लास्ट नेम का कॉलम होता है वो ब्लैंक छोड़ दिया जाता है. लेकिन जब आप किसी और कंट्री में स्टडी के लिए जाना चाहते हो या फिर एप्लीकेशन पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वहाँ पे वो लास्ट नेम पूछा जाता है. बिकॉज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लास्ट नेम यूज़ किया जाता है. तो सब लोग जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब उनका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि क्या ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले कूल डाउन, कूल डाउन, इट्स नॉट अ बिग डील. अगर आपका लास्ट नेम नहीं है पासपोर्ट पे, इट्स नॉट अ बिग डील. सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप पासपोर्ट पे अपना लास्ट नेम ऐड करवा सकते हो. उसके लिए आपको न्यूज़पेपर में ऐड देनी होती है और आप पासपोर्ट ऑफिस जाके अपना नाम चेंज करवा सकते हो, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगता होगा. आई डोंट नो कि इंडिया में कितना टाइम लगता है, 2 weeks और अ मंथ, और यू कैन आस्क, यू कैन चेक ऑनलाइन, सब कुछ अवेलेबल होगा. आप पासपोर्ट ऑफिस जाके भी पता कर सकते हो या ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि कितना टाइम लगता है. लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है लास्ट नेम चेंज करवाने के लिए पासपोर्ट पे, या फिर आप उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते और जैसे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट पे नाम है उसी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी जहाँ पे कि सीआईसी वेबसाइट पे भी क्लियर किया गया है कि आप क्या यूज़ कर सकते हो लास्ट नेम की जगह पे. और वेस्ट की वेबसाइट पे भी मैंने लिंक फाइंड आउट किया है, तो वो मैं छोड़ दूंगी कि जो लोग एजुकेशनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग तो यहाँ पे डिफरेंस है, पहले मैं ये क्लियर करती हूँ. जो लोग आईएलएस के लिए या फिर एजुकेशनल अपने क्रेडेंशियल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लास्ट नेम की जगह पे एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं या फिर एक हाइफन लगा सकते हैं और गिवन नेम में अपना नाम भर सकते हैं. मान लीजिए किसी का नाम है सीमा रानी, तो लास्ट नेम की जगह पे वो एक छोटा सा हाइफन या फिर फुल स्टॉप लगा सकते हैं और गिवन नेम में अपना नाम सीमा रानी भर सकते हैं. या किसी का नाम है जगदीप सिंह, तो वो सेम थिंग, अपने लास्ट नेम की जगह पे एक हाइफन या फिर फुल स्टॉप और गिवन नेम में जगदीप सिंह नाम लिख सकते हैं. तो ये तो हो गया अगर कोई एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है वेस्ट के थ्रू या आईक्वस के थ्रू या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वहाँ पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हो. या फिर आईएलएस के टेस्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हो उस एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट नेम सरनेम की जगह पे आप एक फुल स्टॉप या हाइफन डाल सकते हो.
और अगर आप अपनी पीआर के लिए फाइल अप्लाई कर रहे हो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए और वहाँ पे आपको आता है कि लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम या फिर फैमिली नेम एंड फर्स्ट नेम, फैमिली नेम और गिवन नेम, तो फैमिली नेम की जगह पे आप अगर फुल स्टॉप यूज़ करते हो या हाइफन यूज़ करते हो तो वो काम नहीं करता है, वहाँ पे आपको एक नाम देना होता है। तो आप इसमें फैमिली नेम की जगह में अपना गिवन नेम दीजिए। मान लीजिए आपका नाम सीमा रानी है, तो अगर आप पीआर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो कैनेडियन इमिग्रेशन के सीआईसी के वेबसाइट से, जो फॉर्म अपलोड किया है आपने वो भर रहे हो, तो फैमिली नेम में लिखिए सीमा रानी और फर्स्ट नेम वाले कॉलम को या गिवन नेम वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। प्लीज कुछ भी मत लिखिए गिवन नेम में, ना तो नॉट एप्लीकेबल लिखिए, लाइक ना तो पूरा NOT नॉट देन एप्लीकेबल नहीं लिखना है, N/A नहीं लिखना है, उसको ब्लैंक छोड़ना है। सिर्फ फैमिली नेम वाले कॉलम में या लास्ट नेम वाले कॉलम में आपको अपना गिवन नेम लिख देना है जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। मान लीजिए आपका नाम अजीत कुमार है, आपके पासपोर्ट पे दिया हुआ है, तो फैमिली नेम वाले कॉलम में लिख दीजिए अजीत कुमार और गिवन नेम को ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो ये सही तरीका है पीआर की फाइल जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उसमें आप कैसे अपना नाम यूज करोगे, आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में। और जब आप एजुकेशनल क्रेडेंशियल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उसमें आप फैमिली नेम में अपने जो फुल स्टॉप यूज करोगे या फिर हाइफन यूज करोगे, और गिवन नेम में अपना गिवन नेम सीमा रानी या अजीत कुमार या जगदीप सिंह या मनदीप कौर यूज करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने बहुत क्लियर करने की कोशिश करी है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी छोड़ने जा रही हूँ जहाँ पे ये क्लियर किया हुआ है सीआईसी की वेबसाइट पे कि फैमिली नेम क्या है। और फैमिली नेम अगर आपका एक ही नाम है, इफ यू हैव ओनली वन नेम इन योर पासपोर्ट, हाउ यू कैन यूज ऑन एप्लीकेशन फॉर्म दैट नेम अंडर फैमिली नेम, लाइक यू हैव टू यूज अंडर फैमिली नेम योर नेम एंड यू हैव टू लीव द गिवन नेम कॉलम ब्लैंक इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सीआईसी एप्लीकेशन फॉर्म। एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ क्रेडेंशियल असेसमेंट, एजुकेशनल असेसमेंट, देन एप्लीकेशन फॉर्म यू हैव टू जस्ट यूज अ हाइफन और यू हैव टू यूज अ फुल स्टॉप अंडर लास्ट नेम और फैमिली नेम एंड यू हैव टू पुट योर गिवन नेम अंडर गिवन नेम और फर्स्ट नेम। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लीव मी कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया है ये पॉइंट। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, आई विल ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर। वैसे मैंने बहुत ही क्लियर करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू सून, थैंक यू।